अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। माँ की रेसिपी में आप लोग का स्वागत है, शबनम शेख के साथ। आज की हमारी रेसिपी है ड्राई चना चटपटी। जिसके लिए हमें चाहिए चना, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से पहले मैंने इसको 4 घंटे पहले भिगो लिया था। एक प्याज कटा हुआ, 3 हरी मिर्ची कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, 5 कली लहसुन जिसे मैंने कूट लिया है, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा नींबू। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल डाल लीजिए कढ़ाई में, 2 टेबल स्पून इतना ही तेल डालना है क्योंकि हम ड्राई बना रहे हैं। तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें भी मैं लहसुन डाल रही हूँ, हरी मिर्ची जो हमने काटी थी, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हल्का सा। लहसुन और हरी मिर्च हल्का सा लाल कर लेना है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को भी हल्का ही लाल होने तक भूनना है। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें अभी हम हल्दी डालेंगे, 1/4 हल्दी डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे चना। अभी और ध्यान रखें, मैंने जब चना बॉईल किया था तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डालकर बॉईल किया था। और चना को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो डाइट करते हैं वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं। शाम को नाश्ते में भी आप लोग खा सकते हैं, शाम को सुबह में ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है चना। चना डालने के बाद इसे 1 मिनट तक अच्छे से घुमाते रहिए। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त चना चटपटी ज़्यादा बनाया जाता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा बना। चलिए, चना अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें अभी हम नमक डालेंगे थोड़ा सा। जैसे कि मैंने कहा, पहले मैंने इसमें नमक डाल के बॉईल किया था, मैं थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ। डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो चुका है नमक। चलिए गैस बंद कर लीजिए। अभी इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता जो हमने काट लिया था। धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें डालेंगे नींबू। गैस बंद करके डालना है हरा धनिया और नींबू, ध्यान रखें। नींबू निचोड़ ले और अच्छे से मिक्स कर ले। चलिए, चना चटपटी, ड्राई चना चटपटी बनकर तैयार है। इसे अभी हम सर्व करते हैं। मेरी बनाई हुई रेसिपी ड्राई चना चटपटी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, 2000 तक पहुंचा दिया। इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे माँ की रेसिपी शबनम शेख के साथ, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।